कक्षा 6 गणित आज का जो चैप्टर है इकाई 5 है। इकाई 5 में चैप्टर का नाम है बीजगणित अवधारणा। क्या नाम है? बीजगणित अवधारणा। अभ्यास 5A का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और 4 तक के जितने भी लेसन 4 तक के आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया गया है, तो जो भी वीडियो को नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो माना जो है प्रत्येक शिक्षार्थी को, प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल कितना? 3। और कक्षा में कुल शिक्षार्थी कितने हैं? शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की कुल संख्या x दिया है, तो कुल दी गई पेंसिल, कुल दी गई पेंसिल ये आपको ज्ञात करना है। कुल दी गई पेंसिल कितना? 3 × x = 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 12 + 5 = 17। यहाँ जो खाली दिया है आपको, यहाँ कोई बीज यानी बीज आपको एलजेब्रा भरना है, यानी ABCD XYZ जो भी आप भरना चाहते हैं। तो यहाँ तभी ने कहा है कि कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम भर देते हैं। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, कितना x। तो x की जगह पर देखिए, x की जगह पर कितना लिखा है? 12, और 5 की जगह 5 है, और 17 की जगह पर 17 ही है। तो x प्लस 5 = 17। तो कह रहा है कि किस, उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है? x बराबर 12 के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 - 10 = 30, और 40 माइनस, इसके जगह कुछ नहीं है ना, तो यहाँ आप x लिख दीजिए। तो आप बता सकते हैं किस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है? x बराबर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 × 6 = 24। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है ना, आप यहाँ लिख दीजिए x। आप कुछ भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, या ABCD भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। चलिए आगे लिखते हैं। तो x बराबर कितना? 4। x बराबर 4। अगला क्वेश्चन है, 35 / 5 = 7। तो 35 / x यहाँ भर दीजिए। तो किस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है? x बराबर 5 के लिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ पैसे दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो रहीम के पास कुल कितने रुपए हैं? 10 रुपए, इसको लिख दीजिए। रहीम के पास कुल रुपए 10 रुपए।
और उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिया। आपको नहीं पता है कुछ रुपए, तो जब कुछ भी नहीं पता है तो आप उसको मान लीजिए। माना रजिया को दिया कितना, एक्स रुपए। अब वो तो मालूम नहीं है रजिया को कितना पैसा दिया गया, तो आप उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना रजिया को एक्स रुपए दिया। अब अगला आगे, उसके पास कितने रुपए बचे, रहीम के पास कितने रुपए बचे, पास कितने रुपए बचे। 10 में से आप क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे, तो 10 - x रुपए, यही इसका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। अब देखिए, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, आपको बताया नहीं गया है कि कितने पेड़ थे, तो जब कुछ पेड़ है नहीं पता है तो आप उसको मान लेंगे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो माना बगीचों में पेड़ों की संख्या, माना बगीचों में पेड़ों की संख्या, माना बगीचों में पेड़ों की संख्या कितना, एक्स। जब कुछ कहा है तो आप उसको एक्स मान लेंगे। अगला आगे कह रहा है, 50 पेड़ और लगा दिए गए। कितना, 50 पेड़, इसी में कितना, 50 पेड़ और लगा दिया गया, तो पेड़ों की संख्या कितना हो गया, 120 हो गई, यही इसका आंसर हो गया। कह रहा है, इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर व्यक्त हो गया है अक्षर संख्या की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक को तीलियों से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चलिए सबसे पहले अक्षर यन का देखते हैं। यन देखिए कितने तीलियों से बना है, यन 1, 2, 3 तीलियों से बना है। तो यन का एक प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां, कितना, 3। एक प्रतिरूप उसका बनाएंगे तो कितना तीली लगेगा, 3 तीलियां लगेगा। अगर हम इसी का 2 बनाएंगे, यन का 2 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना, 3 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। फिर इसी तरीके से 3 का, यन का 3 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना, 3 × 3। फिर आगे यन का देखिए, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट कितना तक जाएगा, अनंत तक। तो जब अनंत तक जाएगा तो उसको मान लीजिए स्मॉल यन। यन का यन प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना, 3 × n बराबर 3n हो गया। इसी को कहा है कि तीलियों से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए एक चर संख्या का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरीके से हम m का बनाएंगे। m का एक प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना, m में देखिए 1, 2, 3, 4 लगेगा। देखिए इस तरीके से एक हुआ, 1, 2, ये 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4 लगी तीलियां
कितना 4। अब आगे M का 2 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना 4 × 2 कर देंगे। अब ऐसे ही M का 3 प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना 4 × 3। फिर ऐसे ही N तक लेके जाएंगे। M का N प्रतिरूप बनाने में लगी तीलियां कितना m × n = 4n। देखिए इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें 3n और 4n इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया। आज ये एक्सरसाइज क्लोज हो गए, तो आप लोग क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।